कोटा रेंज में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर पुलिस ने फरार आरोपी स्थायी वारंटी और हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया। कोटा रेंज आईजी प्रसन्न खमेसरा के निर्देशन में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में कुल 997 स्थानों पर दबिश दी गई और 983 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस अभियान में 394 टीमें गठित की गई थी, जिसमें 3150 पुलिसकर्मी शामिल रहे। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने 4 देसी कट्टे, 4 जिंदा कारतूस, गांजा स्मैक और डोडा चूरा बरामद किया। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म करने का कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। आज कोटा में भी कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन हुआ, जिसमें रामपुरा गांधी चौक में कांग्रेस कार्यकर्ता व नेता एकत्र हुए और गांधीवादी तरीके से विरोध जताया। सत्याग्रह आंदोलन में पीसीसी सदस्य अमित धारीवाल, जिला अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी, कांग्रेस नेता डॉक्टर जफर मोहम्मद, शिवकांत ननवाना, महापौर मंजू मेहरा समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश के कानून को, देश की स्वतंत्रता को, देश के गणतंत्र को खत्म करने की पूरी साजिश है। कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, संसद हो, बाहर हो, कहीं भी हो, केवल मोदी जी के या अडानी जी के खिलाफ नहीं बोलना है, बाकी और कुछ भी बोल सकते हो। बोलते हो तो माफ़ी मांगिए, अगर आपने कुछ बोला है तो माफ़ी मांगिए। जिस तरह से उनकी सदस्यता को निलंबित किया गया है, उसमें सिर्फ केवल उन्होंने कहा था मेहुल मोदी, नीरव मोदी, या जिस तरह के ये मोदी लोग बाहर भागे हैं, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, उससे सरकार की मिली भगत है सिर्फ इस बात पे। कोटा ग्रामीण की इटावा में कच्चे घर में भूसा भरते समय अचानक दीवार गिर गई, जिसमें दंपति दब गए। हादसे में पत्नी मंजू नागर की मौके पर ही मौत हो गई और घायल पति लालचंद नागर को इटावा से कोटा रेफर किया गया। हादसा उस वक्त हुआ जब कच्चे मकान में भूसा भर रहे थे, उसी दौरान दीवार भरभरा कर गिर गई। दीवार के नीचे दबे पति पत्नी को ग्रामीणों ने बाहर निकाला। हादसे में पत्नी की मौत हो गई और पति गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा ग्रामीण की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने दो साथी चोरों को गिरफ्तार किया है, जो खेतों से विद्युत केबल चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने रामगंज मंडी के रौसली गांव निवासी आरोपी लखन सैनी और रवि कुमार को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की 1200 मीटर केबल बरामद की है। कोटा में बीती रात दादाबाड़ी थाने पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी को जब्त किया और फिर गाड़ी को छुड़ाने आए मालिक के साथ दुर्व्यवहार में मारपीट की। लोगों ने थाने पर हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर कांग्रेस नेता शिवकांत ननवाना भी थाने पहुंच गए। इसके बाद हंगामा और बढ़ गया। लोग कांग्रेस नेता के साथ थाने के अंदर धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।